देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन। अखिल राजस्थान चयनित शिक्षक संघ 98 का धरना 16वें दिन भी कलेक्ट्रेट सर्किल पर जारी रहा, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। वहीं चयनित शिक्षक संघ की ओर से राजधानी के शहीद स्मारक से सिविल लाइन्स तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इनकी मांगे हैं कि कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी है, जबकि अधिक अंक लेकर आए अभ्यर्थी नौकरी के लिए तरस रहे हैं। पिछले 16 दिनों से धरना दे रहे शिक्षकों का कहना है कि शीघ्र नियुक्ति के आदेश लागू किए जाएं। इसके बाद इन शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। में सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षकों की वैकेंसी निकाली गई थी। इस वैकेंसी में सरकार द्वारा कम अंक वालों को नियुक्ति दे दी गई है और अधिक अंक वाले लगातार नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो वंचित योग्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए सरकार द्वारा 2003 में जुलाई 2003 में और 2006 में नियुक्ति आदेश निकाले गए थे, लेकिन आज तक वो आदेश क्रियान्वित नहीं हुए। चार चार कमेटियां बनाकर उनको लटकाया गया। मंत्रिमंडलीय उपसमिति के साथ जब हमारी बैठक हुई थी तो उन्होंने भी हमें नियुक्ति का हकदार मानकर नियुक्ति की अभिशंसा की थी, लेकिन वो भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। हमारी सरकार से गुजारिश है कि सरकार शीघ्र उन नियुक्ति आदेशों को लागू करवाए और हमें नियुक्ति। पापा की नियुक्ति का मामला है, इसमें 1500 लगभग 1500 चयनित शिक्षक हैं जिनको अभी तक 20 वर्षों से नियुक्ति नहीं मिली है और हम सब यहाँ नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं कि गहलोत जी जल्दी से मेरे पापा और जो भी चयनित शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति आदेश जल्द से